Hello, Avi. Say good morning. Say good morning. देखिए यार इसके टॉयज की हालत, पूरा हमारा लिविंग रूम इतना बिखरा हुआ रहता है ना, बता नहीं सकती हूँ। हाँ क्या हुआ, आर यू हैप्पी अभी, दैट्स व्हाई यू आर क्राइंग। Let's play. Dance, Avi, dance. Very good, Avi. Keep going. Dance. Avi, dance. तो मैंने ये लेकर आई थी राइस कुकर, जो कि था हैमिल्टन बीच कंपनी का। काफ़ी सही लगा है मुझे कुकर, और ये ना क्लियरेंस सेल में चल रहा था तो इसको प्राइस भी काफ़ी सही पड़ गया। तो इसमें ये आया था एक कुकिंग पॉट जिसमें आपको राइस और वाटर मिक्स करके रखना है, और एक मेजरिंग कप भी आया था जो कि आपको यूज़ करना है मेजर करने के लिए राइस वगैरह। तो मैं वही सब सबको ओपन कर रही थी, और इसका वायर वगैरह भी थोड़ा सा पैक था तो उसको भी खोल रही थी। मैंने सोचा कि चलो आज इसमें राइस कुक करके देखते हैं कैसा कुक होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कुकर यूज़ कर रही थी, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल कुकर में ही राइस कुक करती थी। तो मुझे ना चाहिए था कि यार मेरे पास एक सेपरेट कुकर हो जिसमें मैं कुक कर सकूँ राइस। तो इसमें जो लिखा हुआ था, इसमें राइस आप कुक कर सकते हो, वाइट राइस और ब्राउन राइस कुक कर सकते हो, प्लस आप इसमें स्टीम भी कर सकते हो वेजिटेबल्स वगैरह, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अपने इसमें मीट फिश वगैरह भी स्टीम कर सकते हैं। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं इसमें राइस ही कुक करने वाली थी, और मैं वेजिटेबल्स भी इसमें स्टीम करके देखूँगी आगे। तो बहुत सही था ये कुकर। तो इसमें लिखा हुआ था कि राइस कुक करने में आपको 40 मिनट्स लगेगा। तो मैंने एक साइड राइस कुक करने के लिए रख दिया था, तो मैंने सोचा कि यार इतने टाइम में मैं फिर सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं लेके आई थी फर्स्ट टाइम जुकीनी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार उसकी सब्ज़ी ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी हेल्दी होती है, मैंने सुना है इसमें काफ़ी विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो यार ट्राई करते हैं आज इसको भी। तो मैं इसको बस छोटे पीसेस में कट कर रही थी, उसके बाद मैं आपसे रेसिपी इसकी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। तो मैंने इसको थोड़ा अपने स्टाइल से बनाया था। तो जुकीनी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई लिया, उसमें सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया और एक चम्मच जीरा डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने बारीक चॉप्ड करी हुई प्याज डाल दी उसमें, और प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले, जैसे आपका हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला, जो कि मैं सारी सब्ज़ियों में कॉमन ही रहता है मेरा। ये सारे मसाले डालने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी को अच्छे से चला लिया और मसालों को पका लिया। उसके बाद फिर मैंने जो जुकीनी काट के रखा हुआ था उसको भी ऐड कर दिया, और उसको पकने के लिए रख दिया, और मैंने कढ़ाई को ढक दिया। तो मैंने इसको रखा था 10 मिनट के लिए, रख दिया था ढक के मीडियम फ्लेम पे। फिर बीच बीच में मैं इसको चला भी रही थी। उसके बाद देखिए इस तरीके से पक के तैयार हो गए। तो मुझे पता है कैसा फील आ रहा था, कि जैसे ना कद्दू की सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं वैसी बन के तैयार हुई थी। फिर इधर साइड चावल भी पक गए थे, तो 40 मिनट्स हो गए थे लगभग। तो मैंने इसको ओपन करके देखा तो यार इतने मस्त बने हुए थे ना, और इतने खिले खिले थे कि मतलब कुकर में भी इतने नहीं अच्छे बनते हैं, मुझे तो ऐसा लगा। तो इसमें काफ़ी खिले खिले हुए बने थे, तो मुझे तो ये कुकर बहुत सही लगा, और इसको मैं आगे कंटिन्यू यूज़ करने वाली। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हो रही है हमारे यहाँ शाम। शाम क्या, अगर टाइम बताऊँ तो आप कहोगे यार ये तो रात हो गई, अभी बज रहे हैं 8:15, और ये देखिए कितना दिन निकला हुआ है। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि 9 बजे के बाद ही दिन छुपता है, मतलब जो अंधेरा होता है वो 9 बजे के बाद ही होता है, 9 बजे तक ऐसे ही रोशनी रहती है। तो ऐसा लगता है कि अभी शाम ही हो रही है, पर अगर टाइम बज रहा है 8:15।
तो अभी हम जा रहे हैं टारगेट, बहुत ही जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि हमें अर्जेंट में ना कुछ मेडिसिंस लेनी थी, तो इसलिए हमें टारगेट जाना पड़ रहा है और थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग भी करनी है, तो इसी के लिए जा रहे हैं टारगेट ऐसे रात में अचानक से। तो मेरे बाल अभी इसलिए ऐसे थोड़े हो रहे हैं कर्ली से क्योंकि मैंने दिन में ही वॉश किए थे, तो अभी अच्छे से ये सूखे नहीं है, कोई नहीं सूख जाएंगे कल तक। टारगेट पहुंच गए हैं, 5 मिनट का ही रास्ता है हमारे घर से, तो बस अभी तो उतरते ही भागना दौड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पर उसको ऐसा खुला स्पेस मिल जाता है ना। मौसम तो आज भी बहुत खतरनाक वाला हो रहा है गाइस, और कल तो शायद बारिश भी होगी फिर से, तो यहाँ पे ना इस बार समर्स में ये चल रहा है, बारिश आंधी तूफान। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ टारगेट के अंदर। अभी तो इसमें कार्ट में बैठा देते हैं, यहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए एक स्पेस बना हुआ है। अभी आर यू हैप्पी बेबी? Where to go next? Okay, let's go. Where it is? Avi, look at mama. Avi, look at mama. तो फिर घर आने के बाद मैंने की डिनर की प्रिपरेशन। डिनर में आज बना रही थी फ्राइड राइस, तो उसके लिए सारी वेजिटेबल्स फ्राई कर रही थी। तो गाइस आज के व्लॉग को मैं अपने एंड करती हूँ, और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।